आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और ज्योतिर्दित्य सिंधिया का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। वो भगत सिंह कहा करता था, और मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं कि जो भगत सिंह अंग्रेजों को कहा करता था, वो कहता था पिपली दिया पत्तिया ओए काहे की खड़खड़ 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 खड़ लगाई है, पुराने पत्ते झड़ गए सारे, अब रुत सिंधिया की आई है, अब रुत सिंधिया की आई है। जैसे जैसे नर्मदा में बहता बहता कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा नवजोत सिंह सिद्धू आप सबके बीच में आके महसूस कर रहा है। और मैं यहां एक विनती करने आया हूं, इस बार अगर सिंधिया साहब जीते तो मैं आपको ये लिख के दे देता हूं कि राहुल जी के बाद नंबर दो पे मंत्री ये होंगे लंबी लाइट वाले। ठोको ठोको ताली ठोको और जोर से ठोको, ठोको ठोको महाराज सिंधिया जिंदाबाद। राहुल जी का चार पीढ़ियों का विश्वास है, वही कपूर खानदान का है, और यहां गुरु पांच पीढ़ियों का विश्वास है। ठोको ताली। ये विश्वास कोई कमल का फूल नहीं है जो धूप में कुमला जाएगा, ये तूफानों में तुम्हारी नैया खेगा, ये वो अटूट आत्मविश्वास है जो इस जगह को 5 साल में 50 साल का विकास देगा। मोदी को गिराना बड़ा जरूरी है, मैं इस बात में पूरा विश्वास रखता हूं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, 3 मोदी भाग गए और चौथा बोल रहा झूठ। ठोको 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 ताली ठोको 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 भैया, मोदी के नाम पे करंट पूरा है। मुझे यही कहना है कि 342 संकल्प नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहले किए थे, यदि एक भी वचन निभाया हो तो मैं कहता हूं उसे वोट डाल दो। गंगा साफ हो गई? तुमसे पूछता हूं, हो गई? नहीं। 2 करोड़ नौकरी मिल गई? नहीं। 15 लाख आ गए? तो फिर मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू? ठोको ठोको ताली ठोको जरा टिका के ठोको। मुझे यह बात बहुत पसंद आई। बहनों भाइयों बरेली चले गए, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका यही तो गिरा था। ठोको ठोको ताली ठोको, मैं इसके आज बम निकाल दूंगा। चौकीदार चोर है। ठोको ठोको ओ गुरु रोको मत, ठोको ठोको ताली ठोको। मुझे आपसे एक ही बात कहनी है कि यदि तुम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो फिर मोदी को बीजेपी को हराना बड़ा जरूरी है। इसीलिए इस बार जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, सूर्यदेव को भूख मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह इस बार मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में कांग्रेस की ताकत को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। और ये जो मोदी साहब कहते हैं ना कि अब की बार मोदी सरकार, जैसे ही कहे अब की बार मोदी सरकार, तुम कहना बस कर यार। ठोको ठोको ताली ठोको गुरु। अब की बार मैं बोलूंगा, अब की बार
तुम बोलना बस कर यार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। आज चौकीदार को भी निपटाने आया हूं मैं। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे ब्रह्मांड में शोर है कि जमीन पे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में शोर है कि जमीन पे ही नहीं, आकाश और पाताल में भी चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अरे रोको रोको, ऐसा मत करो, क्या बिना मतलब के मत ठोको। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जम के खाया और ठोक के खिलाया, 35,000 करोड़ अंबानी साहब को खिलाया और ऑफसेट पार्टनर बना के रफाइल की डील में खिलाया। तो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम कहते थे गंगा साफ कर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है 200 साल में गंगा साफ नहीं होने वाली। अब सुनो मैं क्या कहता हूं कि नरेंद्र मोदी आए थे 2014 में गंगा के लाल बनके और जाओगे राफेल के दलाल बनके ठोको तल। तुम कहते थे 10 रुपए का पेन लोगे तो बिल जरूर लेना, और राफेल का बिल मांगते हैं तो तुम बिल बिल आ जाते हो, बिल बिल आ जाते हो। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। ठोको ठोको ताली ठोको आज मोटी पोती। मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं, एक और विनती करना। देखो जब मैं जवान था ना, अब तो नहीं पर अब भी, तो मैं छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार। ऐसा छक्का मारो मध्य प्रदेश वालों के मोदी को हिंदुस्तान की बाउंड्री पार मारो। मैं बैंजी आ गए ऊपर, ताड़ी ठोको जरा इनके लिए, ताड़ी ठोको और टिका के मारो। नरेंद्र भाई मोदी से मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि आज 32,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया हिंदुस्तान के ऊपर, और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो नहीं हुआ, सिर्फ अंबानी और अडानी का विकास हुआ है मेरे बहनों भाइयों, सिर्फ अंबानी और अडानों के पास विकास हुआ है। सिंधिया साहब तो जिंदाबाद है ही यार, है ही है, उसमें कोई शक ही नहीं है, शक ही नहीं है। मैं क्या, मैं सब पे बोलूंगा, पोतड़े खोल के जाऊंगा, फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर। आज क्या मोदी साहब 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, बताइए करते हैं क्या? 15-15 लाख जो बोला था उसकी बात करते हैं, करते हैं क्या? चौकीदार किसी गरीब किसान के घर के बाहर खड़ा देखा है क्या? किसी झोपड़पट्टी में चौकीदार खड़ा देखा है? नहीं, नहीं ना। अरे अंधों के बाजार में आइनों के खरीदार हैं, शहर के सब चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, अरे काहे का तू चौकीदार है? मच गई देश में हाहाकार है, जीएसटी और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को। अरे 15 लाख का नरेंद्र मोदी अभी भी इंतजार है, काहे का तू चौकीदार है, काहे का तू चौकीदार। ठोको नहीं, अभी रुको, पेट खाली है और योगा कराया जा रहा है, यूं झुको यूं झुको, पेट खाली है योगा कराया जा रहा है, अरे जेब खाली है खाता खुलाया जा रहा है, और खाने को खाना नहीं है शौचालय बनाया जा रहा है, सब कंपनियां विदेशी हैं और मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है, ये सब झूठ है। मच्छर को कपड़े पहनाना
हाथी को गोद में झूले दिलाना और मोदी से सच बुलवाना असंभव बात है मेरे भाई। मैं आपसे एक इल्तजा और करना चाहता हूं कि अगर 2 लाख से जितवाओगे तब छक्का है। पिछली बार महाराज साहब 1,30,000 से जीते थे, अगर तो 1,30,000 से जीतेंगे तो समझ लो दुक्का, अगर 2 लाख पे जीते तो समझ लो मौके पे चौका, और अगर 3 लाख पे जीते, 3 लाख पे, तो फिर समझ लेना तुम लोगों ने मार दिया छक्का। सिंधिया साहब महाराज, सुनो, सिंधिया साहब महाराज तुम्हारे दिलों के हैं भैया, दिलों के, इसलिए दिलों पे राज करना बहुत बड़ी बात होती है। मोदी जी को लगता है कि 2014 के पहले भारत था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। 2014 के पहले भारत था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी, भक्तों ने खोद के निकाला है। अरे नरेंद्र भाई, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया था, जब आप अपने मां की गोद में झूला झूल रहे थे तब चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था, जब आरएसएस की शाखा में डंडे हो रहे थे, डंडे टकम टकम हो रहे थे, तो हिंदुस्तान 3 जंगें जीत चुका था। ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया था। तब जब ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई थी, जब गोधरा हुआ तो शीला दीक्षित ने मेट्रो ट्रेन चला दी थी। 70 साल में कांग्रेस ने इस देश को आजादी दी है। ये मौलाना आजाद की पार्टी है, ये जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, ये सिंधिया साहब की पार्टी है, ये महात्मा गांधी की पार्टी है। ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की खून पी के ही खिली है, बिछ गए वो नींव में, दीवारों के नीचे खड़े हैं ये महल, अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं, अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े। कांग्रेस ने भारतवर्ष को 5 गांधी दिए, बलिदान दिया, त्याग दिया, और बीजेपी ने इस देश को 3 मोदी दिए, नीरव मोदी, ललित मोदी और चौथे नरेंद्र मोदी, जो बैठ गए अंबानी की गोदी। ठोको ताली, ठोको ठोको ताली, ठोको 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 ताली। पारस जिसे छूता है, पारस जिसे छूता है उसमें गौरव का संचार कर देता है, चीज मैली हो उसे उज्जवल बना देता है, और जिसका मोल ना हो उसे अनमोल बना देता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब वही पारस हैं जो 5 साल में मंत्री बन के इस जगह को 50 साल की प्रगति देंगे। चंपक, सुन लो, ये मेरा मुहावरा सुन लो, सिंधिया साहब के बारे में ताड़ी अपने आप ठुकेगी, देखना। कोई और यहां ऐसा विकास नहीं कर सकता। चंपा के 10 फूल, चमेली की 1 कली, मूरख की सारी रात और चतुर की 1 घड़ी। ठोको ताली। अरे कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर 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 में। चौकीदार,
नहीं सुनो, चौकीदार पहले कहता था गलियों में महल्लों में घूमते हुए, जागते रहो जागते रहो, अब 17 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंकों के अमीरों के हाथ में देके मोदी जी कहते हैं भागते रहो। अबे भागते रहो, भाग ठोको ताली ठोको और टिका के ठोको। मैं तुम्हें यही कहने आया हूं कि आज पार्टियां नहीं हारने वाली, हिंदुस्तान हारेगा या जीतेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए बोलता हूं कि जब आने वाली पीढ़ी देखे तो वो ये ना कहे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो सिद्धू और सिंधिया साहब तमाशा देख रहे थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो। जब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब दिल्ली में तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। दूध को भट्टी पे रखो, दूध का उबलना निश्चित, और लोगों में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है मेरे भैया। महाराजा सिंधिया, महाराजा सिंधिया, तुम में भी करंट सिंधिया साहब का नाम सुन के ही आता है, वैसे नहीं आता। जैसा ही सिंधिया साहब का नाम लेता हूं, सब बंदा 250 वॉट का मारता है ठहा कर। बोले बोले बोलो बोलो बोलो। अरे भैया चलो चलो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा, अब की बार, पहली बार तो तुम कहना बस कर यार मोदी के लिए, उसके बाद सिंधिया साहब के लिए। अब की बार आपने कहना 5 लाख पार, ठीक है। तो पहले रुक जा, रुक जा, रुक जा गुरु। यार ये बुजुर्ग में बड़ा करंट है, इसके लिए एक शेर। ठहरो 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 ठहरो, ये रुकती नहीं रहे यार, पता नहीं क्या खाया सवेरे, कमा लिए, तो इनके लिए एक शेर बनता है। और सुनो 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 सुनो, एक मिनट चुप चुप चुप। आयु थोड़ी बड़ी पर उत्साह आज भी वही है, नदी थोड़ी सूखी है पर पानी का प्रवाह आज भी वही है, वही दमखम वही चमचम मनठाट वही है, अरे तलवार पुरानी है पर धार और काटा भी है। ठोको ठोको इनके लिए, ठोको ठोको ताली ठोको। एक ही नाम हाथी के पांव में सबका पांव। सिंधिया साहब, सिंधिया साहब, सिंधिया साहब, सिंधिया साहब, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार 5 लाख पार, अब की बार, अब की बार। और ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। जैसे आज मैं क्लीन बोल्ड हुआ हूं ना, वैसे अगर तुम बीजेपी को क्लीन बोल्ड करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, और पूरी गारंटी देता हूं कि हिंदुस्तान के कैप्टन को लेके मैं खुद यहां तुम्हारा धन्यवाद करने जरूर आऊंगा। और 4 लाख छोड़ो, तुम 3 लाख भी पार कर गए तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आओ। बोलो वो एक मिनट काका, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। तुम्हारा जोश और मेरे भाई का होश एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, फिर लगेगा छक्का। दोनों हाथ खड़े करो, गूंगे अरे देखो ये मुझसे भी तगड़े शायर है भैया, कह रहा है तुम्हारा जोश मेरा होश करेगा बीजेपी को बेहोश। ठोको, ये नए शायर सिंधिया साहब पैदा हुए हैं, देखो ठोको ताली ठोको। अरे ताली ठोको गुरु,
सिंधिया। गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो भगत सिंह कहता था धमाका जरूरी है। क्या धमाका जरूरी है? दोनों हाथ खड़े करो। गूंगे बहरे कानों तक, कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार, इसे जगाने के लिए ऐसा धमाका करो कि मोदी साहब दिल्ली में उड़ जाएं और कानों की रुई निकल जाए, मैल निकल जाए। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे कहां पड़े हो चक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। अब की बार 5 लाख पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। सुन लो अतीत, सिंधिया साहब की इस लहर में आखिरी शेर, अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही पैदा जवाहरलाल नेहरू, गांधी, राहुल गांधी और सिंधिया साहब जैसे लोग जनाब नहीं होते, चरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते, इनकलाब नहीं होते। मैं पिछली बार जब आया था तो मैंने देखा कि इज्जत कैसे कमाई जाती है, ये कोई मॉल में नहीं मिलती भैया। जब मैं पिछली बार रोड शो पे आया था तो 8 बजे दुकानें बंद हो गई थी, और जब दुकान बंद होती है तो दुकानदार फटाफट अपने घर जाता है, भाग जाता है, लेकिन वहां 1.5 घंटा एक दुकानदार बाजार से हिला नहीं। मैंने उनसे पूछा क्यों भाई, बोला महाराज साहब के दर्शन करके जाएंगे नहीं। ये विश्वास बनता है प्यार से। और लास्ट में मेरे भाई के लिए शेर सुना के फिर बात खत्म करेंगे, छक्का मारता हूं। देखो, प्रेम प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। खाली कर दो रास्ते सिंधिया जी के वास्ते, 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 खाली कर दो रास्ते। बात खत्म, खटाक। मेरे भाई को सुन लो 2 मिनट।